तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ पावर बीआई पे डैशबोर्ड प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमने इस बैच में बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं। चलिए उस फॉर्मूले और बाकी सब की नॉलेज को एक हुए हम एक डैशबोर्ड तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम डेटा लेंगे यहाँ पे। मैं एक डेटा लेता हूँ। डेटा को सिलेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तभी आपका यहाँ पे लोड एक्टिवेट होता है। और इसको हम लोड करते हैं। लोड करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इंतजार करते हैं। ये ट्रांसफॉर्म डेटा क्या करता है सर? ट्रांसफॉर्म डेटा करता है, जैसे डेटा में कुछ चेंज वगैरह करना हो, कोई कॉलम वगैरह डिलीट करना हो या कॉलम का नाम वगैरह चेंज करना हो, तो ट्रांसफॉर्म करने से वो पावर क्वेरी पे चला जाता है और पावर क्वेरी पे हम इस चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा तो इंतज़ार करते हैं, बस हो गया। क्रैक करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। या कनेक्ट हो गया और डेटा के सारे फील्ड्स यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। अब मुझे विजुलाइजेशन को सिलेक्ट करना है, अपने पिवट अपना जो है पिवट की तरह रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले डेटा को देखते हैं, डेटा क्या है हमारा, ताकि हम ध्यान ये कर सकें ना कि हम मुझे करना क्या है। तो ये हमारे डेटा है जिसमें हमारे एक सेल्स का डेटा है, किस डेट को किस मोड में सेल हुआ है, पूरा सेल्स वाइज डेटा दिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल चाहिए कि ओवरऑल सेल कितना हुआ है। हमने क्वांटिटी को रख दिया। फिर मुझे इसकी टाइटल चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स में मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ टाइटल देते हैं, यहाँ थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, मैं 20 ले लेता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। यहाँ लिखाता हूँ मंथली इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसकी जो कलर है टेक्स्ट कलर, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि वो छोटा दिख रहा है। सर सेल्स और कंपेयर स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग को छोड़िए, भावनाओं को समझिए। क्या ना, हम राजकीय उच्च विद्यालय से पढ़े हैं ना सर, इसलिए कभी कभी स्पेलिंग में हाथ टाइट हो जाता है। यहाँ डाल दिया। अब मैं यहाँ पे अपना ईयर डालूंगा। एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया 28 और यहाँ पे 2020। उसके बाद फिर मैं इसको एक बार और लेता हूँ यहाँ पे और इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ और इसमें मैं अपना इसकी एमआरपी नहीं
नहीं एमआरपी का नहीं, एमआरपी नहीं, टोटल चाहिए मुझे, टोटल सेल, टोटल को, ये ग्रांड टोटल को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ भाई। टोटल यहाँ रेवेन्यू, ये हो गया आपका क्वांटिटी, ये हो गया आपका ग्रांड टोटल। अब यहाँ पे क्वांटिटी सेल हुआ, ये आपका क्वांटिटी, और इसकी रेवेन्यू हमें करना है, इसका जो टाइटल है उसका टाइटल को मुझे रेवेन्यू करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ जनरल है, डेटा लेवल है, टाइटल, या राइट, ये जी टोटल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रेवेन्यू करना है। यहाँ दिख जाए तो ये हमारा सबसे पहला तो हेडिंग तैयार हो गया हमारा, ये हमारा कितना मिलियन सेल हुआ है रेवेन्यू और कितनी क्वांटिटी हमने सेल किया हुआ है यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ तो दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो हमें ये डिफाइन करना है कि हमें मैक्सिमम कितना सेल करना था, ठीक है, और हमारा टारगेट क्या था। तो इसमें हम क्वांटिटी में यहाँ न्यू मेजर्स ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पे फिल रखना होता है, मिनिमम मैक्सिमम एंड टारगेट वैल्यू। तो यहाँ हमारा क्यू, मुझे यहाँ पे 25 सर, ये मेजर्स होते क्या हैं? मेजर्स होते हैं, जैसे कि आपको अपना कोई कैलकुलेटिव फील्ड क्रिएट करना हो, लेकिन वो डेटा से रिलेट नहीं करता है, वहाँ पे हम मेजर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए ना कि मुझे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेरा टारगेट और मेरा मैक्सिमम वैल्यू फिट करना था। जैसे मेरी मैक्सिमम सेल जो होती है, वो सेल होती है मान लीजिए आपको 50K, 150K, मतलब 5 लाख होता है यहाँ पे सेल हमारा, राइट। तो ये 5 लाख मुझे यहाँ पे, यह 39 ऑटोमेटिक आ रहा है ना मैक्सिमम नंबर लेके, लेकिन मुझे ऑटोमेटिक नहीं करना है, हाँ 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 अपने ओके तरफ से देना है। तो यहाँ पे मैंने एक नया मेजर्स निकाल दिया और इसको मैंने मैक्सिमम के अंदर में डाल दिया। तो देखिए यहाँ 500K आ गया, ओके। अब मुझे यहाँ पे देना है टारगेट, कि मेरा टारगेट जो था 200K का टारगेट था या 300K का टारगेट था। तो मेजर्स में आया मैंने, अब यहाँ पे हमने मैनुअली लिख दिया, बट यहाँ आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्यू टारगेट टारगेट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना, या कोई कैलकुलेशन करना है तो कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे क्यू टारगेट को लिया और टारगेट वाले सेक्शन में डाल दिया। यहाँ देखिए टारगेट, तो यहाँ पे टारगेट था मैक्सिमम सेल की कैपेसिटी हमारी 500K की है, और टारगेट हमारा इतना था कि 300K होना चाहिए, बट 199K हमारा हुआ है। सिंपल एनालाइज हो रहा है। अब इसमें मुझे क्या करना है, कंपेयरिंग करना है विथ ईयर, कि किस माने कि 2020 में क्या सेल था और 2019 का सेल क्या था या 2021 का क्या, दो से दो ईयर की कंपेयरिंग करनी है हमें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना डेट को उठाया, यहाँ इस टेबल में चाहिए डेटा, चाहिए मुझे इसको डेटा शो करना है, तो हमने यहाँ पे डेट को उठा के यहाँ पे रख दिया, और हमने यहाँ पे क्वांटिटी को रख, यहाँ आ गया क्वांटिटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा 2020 का सेल ये आ रहा है। अब इसमें क्या डे भी है, तो मैं यहाँ डे हटा देता हूँ, मंथ हटा देता हूँ और क्वार्टर हटा देता हूँ। इसे 2020 का ही सेल हमारा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें 2020 का सेल तो दिख रहा है, लेकिन मुझे 2020 और 2019 के बीच में कंपेयरिंग करना है। तो
2019 का सेल हमें पता है, हालांकि 2019 का डेटा मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास उसका ये है कि हम 2019 में इतना सेल्स था लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पे मेजर्स में आएंगे और मेजर्स में हम यूज करेंगे सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे 2020 और यहाँ पे हम देंगे सम। सम में हम करेंगे क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी पे ही मुझे करना है कंपेयर। उसके बाद यहाँ क्योंकि मुझे वो सम जो चाहिए, मतलब जो हमारा टोटल क्वांटिटी सेल हुआ है ना उसका कंपेयरिंग जो करना है उसको कुछ अलग तरीके से शो करना था, इसके लिए हम कार्ड यहाँ से कार्ड लिए और यहाँ से हमने क्वांटिटी को उठाया, नहीं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी होगा यहाँ पे 2020, हाँ 2020 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे 2019 मुझे पता है कि 2019 का क्या सेल था, तो मैंने मेजर्स में आए और 2019 हम यहाँ पे कर देते। ये गलत हो गया, हम यहाँ मेजर्स में आ, यहाँ पे हमारा मान लीजिए 2019 पे हमारा 185 यहाँ पे हम अपना कार्ड लेते हैं। इस कार्ड के ऊपर हम अपना 2019 को डाल देते हैं। 2 मिलियन हो गया, एक जीरो कम करना चाहिए था। 2019 को सिलेक्ट करके 10 में कम कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको एक जगह पे देना है सही से। ये टेक्स्ट बॉक्स हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं VS लिख देता हूँ, VS इसको सिलेक्ट करके ऊपर ले जाता हूँ। देख रहे पीछे का एरिया नहीं दिख रहा है, वो जो BS था वो छुप गया, क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड है तो हमें इसकी फॉर्मेट में जाना होगा और इसका जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब यह अच्छा से हो जाएगा। और सेम इसका भी करना है, इसके बैकग्राउंड में आता हूँ, इसका बैकग्राउंड यहाँ से हटा देता हूँ। छोटा करना होगा, ये बहुत बड़ा हो गया, दोनों लेबल होना चाहिए ना इसलिए। चलिए अब बेटर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ हम बाकी जो है करना है आप कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मंथ वाइज मुझे सेल्स का फ्लो चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मंथ को रखा। सर मेरा ना एक क्वेश्चन है, बोलिए। हेलो, मैं अगर ये जानना चाहता हूँ कि 2020 और 2019 में ना, लेट्स सपोज कि मेरा मार्च मंथ है कोई, ठीक है, मार्च मंथ में, चलो अप्रैल मान लेते हैं, अप्रैल में आज 7 तारीख है, तो अप्रैल 7, 2020 और 7 अप्रैल 2019 की क्या सेल्स है, मुझे वो दिखाने की, तो कैसे करते हैं? मैं वही बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, सब बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। अब यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हम पहले एक बार अपना डैशबोर्ड हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ आप प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर दूंगा। इसमें हम स्लाइसर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम स्लाइसर से दूर हो जाएगी, समझे? हाँ
कंट्रीब्यूशन, मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी, और मुझे यहाँ पे मैप चार्ट चाहिए फील्ड मैप। इसमें हम डालेंगे अपना सिटी, सिटीज वाइज टोटल क्वांटिटी, टूल टिप में डालना लैंगिट्यूड लाइट लेजेंड में डालना, यहाँ दिख रहा है ज़्यादा सेल है। इसमें हम कम और कर सकते हैं, इसमें डेटा कलर ऑफ है, ऑन कर देता हूँ, पोस्टर बैकग्राउंड शैडो टू विजुअल बॉर्डर्स बैकग्राउंड है ही, टाइटल है ही, मैप स्टाइल रोड है, डार्क कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये हो गया, उसके बाद हम नल चार्ट लेते हैं और इसमें हम अपना ये देते हैं, कहाँ गया इसका स्टेट, एक और था सेल्स मोड, सेल्स मोड बाय टोटल कॉल्स नहीं टोटल क्वांटिटी। उसके बाद हम यहाँ पे और इसमें हमने अपना साइट वाइज, हमारा साइट है किस साइट से कितना सेल हुआ है, साइट वाइज टोटल कॉल्स देते हैं किस साइट के लिए हमने कितना कॉल्स किया हुआ है, ये फाइनली रिपोर्ट हमारा तैयार है। बात आते हैं कि ये तो ओवरऑल 2020 का दिख रहा है, अगर मुझे मान लीजिए मंथली रिपोर्ट देखना या डेट वाइज देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जगह बनानी होगी जहां पे आप अपना स्लाइसर रख सके। तो मैं थोड़ा सा इसको साइज को छोटा कर देता हूं, 40 है ना, 40 की जगह पे मैं इसको 36 कर देता हूं, ये 32 हो गया, हाँ जगह हो गया। मैं यहां स्लाइसर को लेता हूं और इस स्लाइसर को मैं यहां रखूंगा, यहां पे मुझे मान लीजिए मंथली देखना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अपना मंथ या जो मंथ का कॉलम हो सही है, मंथ के कॉलम को यहां रख दिया, लेकिन इस तरह का ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये लिस्ट आ रहा है, तो मैं इसको ड्रॉप डाउन में कर दिया ताकि इसको हम छोटा एक छोटा सा एरिया में डाल सकें। अब देखिए मैं अगर यहाँ मंथ का यूज करता हूँ अप्रैल, तो पूरा रिपोर्ट अप्रैल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम और आ गया कि ये जो आप देख पा रहे हैं ना 2019 का क्यों चेंज होगा, क्योंकि फिक्स है, तो 2019 का डेटा रखना होगा, 2019 का डेटा रखना होगा, वो डेटा से फॉर्मूले के थ्रू आएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। समझ गए दीपक जी कैसे करना है आपको? तो इस स्लाइसर की मदद आप ऐसे दो तीन स्लाइसर भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही स्लाइसर रखना, दो तीन स्लाइसर भी रख सकते हो। अगर स्लाइसर नहीं भी रखते हो तो किसी भी पे क्लिक करके आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे मैंने इसको अनचेक कर लिया। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें देखना है पूजा का सेल, पूजा का सेल क्या है, मैं पूजा का सेल देखना चाहता हूँ, तो मैं पूजा पे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करते ही पूरा रिपोर्ट पूजा के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा, मतलब रिपोर्ट तो पूरा रहेगा बट बाकी सारे डिस हाईलाइटेड हो जाएंगे और हाईलाइटेड होगा सिर्फ पूजा का रिपोर्ट।
और जैसे वापस इस पे क्लिक करेंगे तो वापस नॉर्मल ओवरऑल आ जाएगा। तो ये चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अब हम एक भी चेंज कर रहे हैं, मतलब एक को भी चेंज कर रहे हैं, अगस्त को चेंज किया तो ओवरऑल हो रहा है, राइट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे दो चार्ट्स पे लगाना है, माने कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है हमारे, और सेक्शन के बिहाफ पे हमें अपना स्लाइसर यूज करना है, तो उसके लिए आपको जो मैंने बताया था कि नई टेबल क्रिएट करके करना है, उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसको ट्राई कीजिएगा आप। तो सुरेश जी, समझ में आया आपको सर? जी, आपको समझ में आया कि आप मेजर्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और जो फॉर्मूले मैंने बताए थे ना आपको कि कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि टेबल में कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, तो उसके लिए मेजर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको मेजर्स के बारे में जानना होगा कि मेजर्स का यूज कहाँ होता है। जहां पे जैसे यहाँ पे देखिए ना सर, यहाँ पे टोटल चाहिए था हमको यहाँ पे, तो हम टोटल एक कैलकुलेटेड टोटल रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो रख सकते हैं, या फिर किसी चार्ट में से, इसी चार्ट से मुझे इसका टारगेट और मैक्सिमम डिफाइन करना है, तो मेजर्स, तो मेजर्स कैलकुलेटेड भी हो सकते हैं, आपके खुद के बनाए भी हो सकते हैं। तो कल से मेजर्स की कैलकुलेशन पे भी हम बात, इसमें कोई एम क्वेरी पे कोई एग्जांपल है आपके पास, बता सकते हो क्या? एम क्वेरी पे और शेयर व्यू पे, एम क्वेरी पे और शेयर व्यू पे कोई एग्जांपल है बता सकते हो? एम क्वेरी तो नहीं, पावर क्वेरी होता है ना सर, एम क्वेरी के बाद? नहीं नहीं सर, इसमें एम क्वेरी भी होती है ना सर, एक पावर सर, जिस पे प्रोग्रामिंग की कोडिंग लिखी जाती है, और एक एक वो एग्जांपल बता दो शेयर व्यू का, कि मुझे अपनी रिपोर्ट कैसे शेयर करनी है। हाँ, रिपोर्ट शेयर करने के लिए तो आप, उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, पावर बीआई की आईडी होनी चाहिए, ठीक है ना। वो जब क्लास स्टार्ट होगी उसमें बताएंगे सर, ये बैच 20 का है, हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, उसके लिए आपको पावर बीआई की आईडी चाहिए होगा, देन यू कैन शेयर। और जिसको आप शेयर कर रहे हैं उसके पास ये पावर बीआई की आईडी होनी चाहिए, तभी तो शेयर कर पाएगा। या फिर आप पब्लिकली लिंक बना के भेजते हो तो कोई भी उसको देख पाएगा, फिर लिंक जिसको एक्सेस होगा। हाँ, जैसे मुझे हमारे बॉस को भेजनी होती है, मोबाइल पे एक्सेस करना। हाँ, मोबाइल पे भी आप भेज सकते हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल पे उनका पावर, देखिए पावर बीआई की जो रिपोर्ट है वो तीन चार मीडियम से निकलती है। पहले निकलती है आपकी पावर बीआई की सॉफ्टवेयर, जो पावर बीआई की फाइल होती है, पावर बीआई की फाइल पे। दूसरी होती है, वो होती है पीडीएफ में, रिपोर्ट को आप पीडीएफ में निकाल सकते हैं, बट पीडीएफ जस्ट प्रिंटेड होता है, समझिए प्रिंट आउट निकला, सेम थिंग, उसमें आप किसी तरह की स्लाइस और चेंजिंग नहीं कर सकते हो। तीसरा होता है कि आप उसको अपने डोमेन पे चेंज कर शेयर कर दें, तो उसके लिए आपके पास यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूंगा और फिर सेव होगा, तो मेरा एक पावर बीआई से कनेक्टेड है, पावर बीआई आईडी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप इसको जस्ट सेव करूंगा तो मेरा ये वेब पे चला जाएगा। जब वेब पे चला जाएगा तो मैं वहां से इजीली इसको किसी को भी शेयर कर सकता हूं, बट जिसको मैं शेयर करूंगा उसके पास पावर बीआई का एक्सेस होना चाहिए, पावर बीआई होनी चाहिए, ताकि आप शेयर कर सकें उसकी ईमेल आईडी, जैसे गूगल ड्राइव को शेयर करते हैं ना सर, उस तरह से आपको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके, अब ये मेरा पब्लिश हो रहा है, ये पूरी हमारी पावर बीआई आईडी पे चली जाएगी। अब यहाँ से आप अपना रिपोर्ट खोलिए, उस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो आप यहाँ देखेंगे, उसका नाम कुछ एसएस करके मेरा ना एसडी आ गया सर। पूरी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे खुल जाएगी सर, ये आपका डेटा आ गया है, पूरा रिपोर्ट।
अब यहाँ आपके सामने एक्सपोर्ट है, तो आप इसको पावर पॉइंट में, पीडीएफ में कर सकते हो, एक्सेल एनालाइजर भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये होना चाहिए पावर बी प्रो, तब हो पाएगा। सीआर की बात करें तो इसको आप यहाँ से एम्बेड कर सकते हो, यहाँ देखिए एक जनरेट क्यूआर कोड, जो कि मोबाइल ऐप, मोबाइल पे जो पावर बी आई की ऐप है उसको स्कैन करने से वो रिपोर्ट को देख सकता है, या फिर इसको आप पब्लिश टू वेब लिंक कर सकते हो, एक लिंक जनरेट कर सकते हो, एम्बेड कोड इसको बोलते हैं, एक जहाँ पे आप उसको वेबसाइट में, किसी वेबसाइट में भी उसको एम्बेड कर सकते हो, या फिर लिंक जिसको उसको देंगे हर कोई इसको देख पाएगा। इसके लिए पावर बी आई उनके पास होना जरूरी नहीं है, यानी क्रिएट एम्बेड कोड कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब देखिए ये रहा कोड, अब इस कोड को आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर रन करेंगे तो क्या होगा, आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। और पावर बी आई में जो जो फैसिलिटी थी स्लाइसर्स का, फिल्टर का, ये यूज होगा। इसके लिए आपको पावर बी आई की लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज नॉट ए सिक्योर, कि जो भी इस लिंक को एक्सेस करेगा इस रिपोर्ट को देख सकता है, पहली चीज। उसके बाद इस रिपोर्ट को आप अपने बॉस को भेजना चाहते हो, और बॉस भी आपका पावर बी आई यूज करते हो, तो जस्ट शेयर शेयर रिपोर्ट, बट इसके लिए आपको पावर बी आई प्रो चाहिए, मंथली जो सब्सक्रिप्शन चाहिए, शेयर कर सकते। ओके दीपक जी, समझ में आ गया आपको? हाँ जी, समझ गया। बाकी जो कोडिंग वगैरह है इसमें, हम इस कोर्स में हम कोडिंग वगैरह का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ वो लोगों को कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मोस्टली वो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो जस्ट क्रिएटिंग द रिपोर्ट, कोड नहीं जरूरत पड़ती। और इसमें पैथन की कोडिंग चलती है और आर की कोडिंग चलती है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, 100 सॉफ्टवेयर से ये लिंक्ड है सर, लेकिन वो सारे सॉफ्टवेयर मैं नहीं कराता। हाँ, इसमें मैं आपको डैक्स फंक्शन, डैक्स क्यूरी एंड पावर क्यूरी में बड़ा कराता हूँ।